कल के कुहासे और धुंध के बीच आज मौसम साफ है, या यूं कहें राजनीतिक धुंध भी आज छट चुकी है। देर रात राजभवन से चंपई सोरेन को बुलावा आया और राजभवन ने मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन को न्योता दे दिया है पद के शपथ लेने की। तो आपको बता दें, अब झारखंड में चंपई सरकार चलेगी। देर रात राजभवन से बुलावा आया और चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता मिल गया है। चंपई सोरेन के अलावे आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता मंत्री पद की शपथ लेंगे और 10 दिनों के अंदर इन्हें बहुमत साबित करना होगा। 10 दिनों का वक्त है बहुमत साबित करने के लिए। इस बीच जो बड़ी खबर ये भी है कि जो तमाम यूपीए के विधायक, जो गठबंधन दल के विधायकों को रिसोर्ट में हैदराबाद शिफ्ट करने की प्लानिंग थी, फ्लाइट में ये तमाम बैठ चुके थे, लेकिन कल चूंकि मौसम बहुत खराब था, राजधानी रांची में घना कुहासा और धुंध थी, ऐसे में इनकी फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी और तमाम विधायक वापस लौट आए और फिर सर्किट हाउस में इन्होंने रात बिताई है। आज मंत्री पद की शपथ लेंगे 3। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, उनके साथ सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम ये मंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। कहीं ना कहीं अंदर कोई परेशानी जरूर होगी, इसी वजह से कैबिनेट का अभी कैबिनेट के जो मंत्री शामिल होंगे कैबिनेट में उनका शपथ ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि कई लोग अब अपनी डिमांड रख रहे होंगे और इन सब के बीच में ये भी संभावना और आशंका है कि कहीं टूट ना हो। अभी भी कोशिश होगी गठबंधन की कि अपने तमाम विधायकों को सुरक्षित रखा जा सके, उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि सुदया सोरेन ने बगावती तेवर अपनाया है। लोबिन हेमरम कई बार हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए थे, तो ऐसे में इस सरकार के लिए क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं इन विधायकों के द्वारा, इसके लिए तमाम लोगों को एकजुट रखने की कवायद इस वक्त बड़ी चुनौती होगी। और ऐसे में चंपई सोरेन को अब राजभवन से न्योता मिल गया है सरकार बनाने का और अब आज शपथ हो सकता है चंपई सोरेन का और नए मुख्यमंत्री अब झारखंड के चंपई सोरेन। तो झारखंड में अब चंपई सरकार बनेगी, नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे, आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता के साथ ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। इन सब के बीच बड़ी खबर ये भी है कि होटवार जेल में रात गुजारी है हेमंत सोरेन ने और आज कोर्ट पर सबकी नजर टिकी होंगी। काफी अहम दिन आज कोर्ट की तमाम कार्रवाइयों पर। पीएमएलए कोर्ट कितने दिनों की ईडी को रिमांड देगा और उसके बाद ईडी दफ्तर लाया जाएगा हेमंत सोरेन को और वहां पर ईडी उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई है, जिसमें याचिका दायर की गई थी हेमंत सोरेन की तरफ से कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, पीड़क कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में उन्हें जमानत दी जाए। तो अब देखना है कि क्या राहत मिलती है या फिर उन्हें ईडी के तमाम सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच जो सियासी उठापटक थी, जो सियासी धुंध थी कल मौसम की तरह, वो आज जब सुबह सूरज उगा है राजधानी रांची में तो मौसम बिल्कुल साफ है और उसी तरह राजनीतिक फिजा भी साफ नजर आ रही है। अब चंपई सोरेन शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की और उनके साथ सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। बाद में कैबिनेट का विस्तार होगा। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, अब यूं कहें कि धुंध साफ हो गई है, देर रात राजभवन से बुलावा आया, अब चंपई सरकार चलेगी झारखंड में, क्या जानकारी है, क्या आज कितने बजे तक शपथ दिलाया जा सकता है? बिल्कुल, झारखंड में सियासी सस्पेंस चल रहा था, उस पर से पर्दा उठा और देर रात आलमगीर आलम और चंपई सोरेन को राजभवन से बुलाकर उन्हें जो है मान्यता दे दी गई है मुख्यमंत्री पद की और आज उन्हें शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित भी किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है जो अब आज चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन 10 दिनों के भीतर उन्हें जो है विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा, ये एक बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है कि आज दो मंत्री जो है वो सब कम से कम साथ में शपथ लेंगे, सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम। बाद में कैबिनेट का जो है और विस्तार हो सकता है और दिन के 1 बजे लगभग जो है आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। देखिए, जिस डर से विधायकों का शिफ्टिंग किया जा रहा था, हैदराबाद ले जाया जा रहा था, जब कोहरे की वजह से फ्लाइट नहीं उड़ पाई तो फिर सबको वापस सर्किट हाउस लाया गया, लेकिन अब उसका फायदा मिला कि अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा और जिस तोड़फोड़ का डर था वो अब जो है
नहीं हुआ और उसके बाद जो है तमाम लोगों के बीच आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। तो हम कह सकते हैं था वो झारखंड में खत्म हुआ और अब चंपई सोरेन की सरकार और चंपई सोरेन जो है अगले मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन मदन क्या ये कहे कि भले ही विधायकों को अब रिसोर्ट पॉलिटिक्स में नहीं भेजा जाएगा, लेकिन क्या कैबिनेट का विस्तार अभी नहीं होना, क्या फिर बदल की संभावना है या फिर अपने अपने तरीके से सभी ने बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया है? देखिए जब प्रेशर होगा, जितने लोग तो जो लोग से दावेदारी दे रहे थे मंत्री पद के लिए, अब वो लोगों को एक बेहतर मौका मिला है और वो ये चाहते हैं कि समय जरूर कम है लेकिन हम जो है मंत्री पद के लिए दावा करें और मंत्री पद मुझे मिले, इसको लेकर के एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी चल रहा है। तो अब देखना होगा कि सबको तालमेल बिठाते हुए कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, क्या सभी पुराने लोग ही शामिल होंगे या फिर कोई और नए लोग शामिल हो सकते हैं, ये एक बड़ी खबर होगी। ये सबके बीच मदन ये भी एक बड़ा सवाल है कि मंत्री पद को लेकर जो तमाम खींचतान या प्रेशर की बात आपने कही, लेकिन सीता सोरेन की भूमिका आप क्या रहेगी? देखिए फिलहाल विधायक के तौर पर सीता सोरेन, अब पार्टी में जो नाराजगी हुई, उन्होंने जो दिखाया कल्पना सोरेन के नाम पर जो विरोध हुआ, उसके बाद अब उन्हें किन किस पोस्ट पर रखा जाता है, विधायक की तो बरकरार रहेगी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और क्या आगे कोई मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलता है या फिर किस तरह से उन्हें मनाया जा रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हेमंत सोरेन की रात आज होटवार में बीती है मदन, क्या संभावनाएं लग रही हैं? आज कितने दिनों की रिमांड उन्हें मिल सकती है? सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है, उसमें क्या राहत मिल सकती है? आज का दिन उधर भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, आज जो मामले में कोर्ट में सुनवाई है, दूसरी तरफ जो है रात जो है उनका होटवार जेल में गुजरा है, आज रिमांड पर भी सुनवाई फैसला सुनाया जाएगा, जो कितने दिनों का रिमांड जो है ईडी को मिल रहा है। तो सबकी निगाहें आज दोनों तरफ टिकी हुई, एक तरफ जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, दूसरी तरफ जो ईडी रिमांड पर लेगी फिर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है, सबकी निगाहें दोनों तरफ टिकी हुई है।